हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज बताती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बता देती हूँ आपको। मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं और बहुत पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था मैटरनिटी पैड एंड पैड फिक्सेटर के बारे में। उसके बाद मैंने और भी कई वीडियोस इसके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुके हैं बिकॉज आप लोग के कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर वो वीडियो लाइक रहता है तो मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो इस चक्कर में 3-4 वीडियोस तो एटलीस्ट मैंने शेयर किए हुए हैं अबाउट मैटरनिटी पैड्स एंड पैड फिक्सेटर या फिर सी सेक्शन पैंटीज के बारे में भी मैंने बात की हुई अपने कई वीडियोज़ में। तो ये सारे वीडियोस जब भी आप मेरा अगर वीडियो जाकर चेक करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि पीरियड पैंटी यूज़ किया जा सकता है या फिर जो एडल्ट डायपर्स आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोगों को पैड फिक्सेटर नहीं अवेलेबल हो पाता है तो भी वो चाहते हैं कि ये डायपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन मेरे पास यही आया था कि पीरियड पैंटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं क्या हम इन प्लेस ऑफ पैड फिक्सेटर और जो मैटरनिटी पैड्स हैं। और मेरे पास एक क्वेश्चन अभी इंस्टाग्राम पे डीएम आया, मैसेज में आया, पर्सनल मैसेज में, कि क्या हम जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसके लिए हम मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा हमको, क्योंकि शुरू में हमने यूज़ किया हुआ है बिफोर प्रेगनेंसी तो हमको कंफर्टेबल लगेगा, तो करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के लिए, जो जस्ट डिलीवरी के बाद आपकी जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए आपको इनमें से क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसी के बारे में आज का वीडियो है। सो आई होप कि आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में आपको क्या चीज़ें परचेस करनी है और कब परचेस करनी है। सो वो सारा कुछ मैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखना और मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होता है वो जब हम डिलीवरी देते हैं उसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग आपकी जो पीरियड ब्लीडिंग होती है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए भी होता है। पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी लाइट होती है और साथ में वो 5-6 मैक्सिमम 1 वीक तक रहती है, लेकिन ये जो ब्लीडिंग है ये आपको 4-8 वीक्स तक चलती है। किसी को 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, किसी को 6-8-10 हफ्ते भी समटाइम्स लग जाते हैं। सो इट्स टोटली नॉर्मल और ये ब्लीडिंग एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि आपका यूट्रस क्लीन हो रहा होता है तो जो भी अंदर चीज़ें होती हैं वो सब क्लीन हो रही होती हैं थ्रू ब्लीडिंग। सो इसीलिए ये जो ब्लीडिंग है काफ़ी डिफरेंट होती है और स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है जब स्पेशली आप हॉस्पिटल में रहते हैं या स्टार्टिंग के जो 5-7 डेज होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है एंड ग्रेजुअली फ्लो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो मैंने तो मैटरनिटी पैड्स जो थे वही यूज़ किए थे और मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंगली वर्क किए थे और मैंने इसके बारे में आप लोगों को भी सजेस्ट किया कि सबसे ज़्यादा जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो यही है कि आप पैड्स एंड साथ में आप चाहो तो पैड फिक्सेटर यूज़ कर सकते हो। बट जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया जा सकता है या फिर हम जो पीरियड पैंटी है वो यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो भी इसी के लिए बनाई हुई है, और या फिर जो डायपर्स बनाए हैं एडल्ट डायपर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पीरियड पैंटी के बारे में कि क्या पीरियड पैंटी यूज़ की जा सकती है बिकॉज उसमें भी आपको अलग से पैड नहीं लेना होता है, आपको एक जस्ट पैंटी जैसा ही पहनना होता है और उसमें आपका जो ब्लड है वो सोक कर लेता है एंड अलग से पैड्स भी नहीं लेने पड़ते, अलग से पैंटी भी नहीं पहननी पड़ती है। तो क्या वो काम करेगा, तो वो एक्चुअली में उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक स्पेशली मैं यहाँ पर सी सेक्शन की बात कर रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन सी सेक्शन के बारे में मैं आपको श्योरिटी से चीज़ें बता सकती हूँ। तो सी सेक्शन में क्या होता है, आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में स्टिचेस लगते हैं, स्पेशली जो आपका पैंटी लाइन, जो आपका वेस्ट लाइन रहता है वहाँ पर स्टिचेस होते हैं। तो ये जो पैंटी लाइन, ये पीरियड पैंटीज़ हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हो तो एक तो वो स्टिचेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं बिकॉज ये आपके पर्पस इसका वो नहीं है कि आपका वहाँ पे सीमलेस हो, स्मूथ हो, ताकि आपके स्टिचेस ना हो। ये पीरियड पैंटी मान के ये चलते हैं कि आप नॉर्मल हैं और आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपके नॉर्मल स्टमक पे कोई इस तरीके की चीज़ें तो होती नहीं है कि आपको वहाँ पर उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए, तो वो नॉर्मल जैसे आपकी पैंटीज़ होती हैं। जो प्रॉब्लम आपको कॉटन पैंटीज़ के साथ आती है वो प्रॉब्लम आपको पीरियड पैंटी के साथ भी आ सकती है कि आपका वहाँ पर जो स्टिचेस है उसमें वो फंस सकता है, स्टिचेस को खुल सकते हैं आपके स्टिचेस फंस के टैंगल हो करके,
तो वहाँ पर इरिटेशन दे सकता है। तो बेसिकली आपके स्टिच वाला जो एरिया है वहाँ पर जो मटेरियल पीरियड पैंटी में यूज़ किया जाता है वो उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है फॉर योर स्टिचेस। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है। दूसरा, पीरियड पैंटी जो है वो डिज़ाइंड, उनकी जो सोकिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उसके हिसाब से है, जबकि आपका जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल पीरियड से। तो ऐसे में आपको बार बार चेंज करना पड़ सकता है, जबकि अगर आप पैड फिक्सेटर और पैड्स यूज़ करते तो वो एक बार यूज़ किया और वो पूरे दिन भर आपका काम करता है, अगले दिन आपको वो चेंज करना होता है। ये मैटरनिटी पैड्स का मैं बता रही हूँ, नॉर्मल पैड्स का नहीं बता रही हूँ, ठीक है? तो ये डिफरेंस है अगर आप मैटरनिटी पैड्स यूज़ करते हो और पैड फिक्सेटर यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप पीरियड पैंटी यूज़ करते हो तो उसको आपको टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सोकिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो ये एक दो ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आप इसको एटलीस्ट इनिशियल डेज में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये तो पीरियड पैंटी का हो गया। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट सी सेक्शन में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। एंड देन फिर आता है एडल्ट डायपर्स, कि आप एडल्ट डायपर्स यूज़ कर सकते हो। तो येस, अगर आपको ये डिस्पोजेबल पैंटीज नहीं मिल रही है, पैड फिक्सेटर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये एडल्ट डायपर्स यूज़ कर सकते हो। बट उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो डायपर जैसा होता है, जैसे बच्चों का डायपर आपने देखा ना, काफ़ी मोटा सा होता है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा महसूस, बर्डन सा महसूस हो सकता है। जबकि आप पैड फिक्सेटर पहनते हो तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है, एकदम वहाँ का जो एरिया है वो एकदम लाइट रहता है, बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होता है कि आपने कुछ भी ऊपर से पहना हुआ है, बस आपको लगता है कि आपने एक पैड यूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है पैड फिक्सेटर का। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली एडल्ट डायपर यूज़ कर सकते हो अगर आप हॉस्पिटल में हो तो, बिकॉज एडल्ट डायपर है वो इतना मोटा और अजीब सा होता है, मतलब वो सोक करता है और आपको उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको पैजामा वगैरह या कोई ऐसी ड्रेस जो नीचे से थोड़ी फिटिंग में आती है तो वो आप उसमें नहीं पहन पाएंगे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो अगर आप गाउन वगैरह पहन रहे हैं तब तो आप एडल्ट डायपर पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। हाँ, हॉस्पिटल में अगर आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो शुरू के जो 3-4-5 दिन होते हैं जो आपके हॉस्पिटल में गुजरने हैं उसमें आप एडल्ट डायपर ट्राई यूज़ कर सकते हो, मतलब बेटर है ये, आपके पीरियड पैंटी से काफ़ी बेटर है। अब थर्ड ऑप्शन पे मैं आती हूँ जो कि है मेंस्ट्रुअल कप। सो मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जिसको आप इंटरनल अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हो, यूज़ करते हो। तो क्योंकि जब आप बेबी डिलीवर करते हो तो आपका जो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड्स इन्फेक्शंस। आपको किसी भी तरीके के कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने आप को बहुत आपका ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ही डेलिकेटली अपने आप को ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप ये सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सर्जरी हुई हो, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर किसी तरीके का कुछ हर्ट हो सकता है, कुछ यू नो इन्फेक्शन वगैरह कैच कर सकता है। चाहे आप कितना भी अच्छे से स्टेरलाइज कर लें आप अपने मेंस्ट्रुअल कप को, चाहे आप जो भी कर लें, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज़ आप एक सेंसिटिव पॉइंट पे होते हो। तो आप क्यों रिस्क लेना, आपको आप कुछ भी चीज़ इंसर्ट करोगे, प्लस जो ब्लीडिंग होती है वो उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। जो आपके नॉर्मल पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है उसका आपको अंदाज़ा होता है, आप वहाँ पर मतलब धीरे धीरे सीख जाते हो कि आपको कितने टाइम में आपको अपना कप जो है वो चेंज करना होता है, कितना आपको ब्लीडिंग हो रही है। बट ये जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को कम ब्लीडिंग होती है, तो बिल्कुल भी इसका कोई अंदाज़ा आपको नहीं होता है कि आपको कितना कितने टाइम में आपको अपना कप जो है वो चेंज करना है। तो पूरे टाइम आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहेगी, और पोस्ट डिलीवरी आपका जो 40 डेज रहते हैं वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एंड आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, प्लस आपका एक नया बेबी होता है जिसको आपको आप अपने आप को उसके साथ ट्यून करना पड़ता है कि फीडिंग आप कैसे करो, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं स्ट्रेस देने वाली जो आपको करनी ही है। तो ऐसे में अननेसेसरी का स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इस टाइम पर एक्सटर्नल कोई भी चीज़ आप अपनी बॉडी में इंसर्ट करें उसको आप बिल्कुल ही नो कर दीजिए, बिल्कुल ही आप हटा दीजिए, बिकॉज़ कोई भी रिस्क लेना सही नहीं है। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन वगैरह बचाए रखने से, इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए आप अपना जो इंटरनल जो आपका प्राइवेट एरिया है उसको अच्छे से टाइम टू टाइम क्लीन करिए, और उसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, लाइक आपका जो भी वॉश होता है वजाइनल वॉश आते हैं, या फिर जो आपका टैम्पन्स वगैरह होते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल कप है, ये सारी चीज़ें जो कि एक्सटर्नली आप इंसर्ट करते हो वो आपको अपने पोस्ट पार्टम पीरियड में नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मेरा तो यही सजेशन है, मुझे तो यही लगता है कि क्यों फालतू में इन्फेक्शन को बोलना कि भाई आ बैल मुझे मार। तो उससे बचने के लिए आप सिंपल पैड्स यूज़ कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है कि पैड फिक्सेटर और पैड्स, ये मैटरनिटी पैड्स, ये जो इन दोनों के बारे में मैं सेपरेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पैड फिक्सेटर नहीं भी लेना चाहते हो तो भी आप पैड्स ही यूज़ करो, मैटरनिटी पैड्स काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग का 1 वीक जो होता है उसमें। उसके बाद आप अपने रेगुलर अच्छी क्वालिटी के भी पैड्स यूज़ कर सकते हो, वो भी काम चल जाता है, आप टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप डायपर्स पे स्विच कर सकते हो, बट पीरियड पैंटी एंड मेंस्ट्रुअल कप इनको मैं एटलीस्ट इनिशियल 1 मंथ में तो आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। उसके बाद आप चाहो तो पीरियड पैंटी को ट्राई दे सकते हो, और जब आपके नॉर्मल पीरियड्स स्टार्ट हो जाए ना, जो आपका गैप होने के बाद पोस्टपार्टम के बाद एक गैप आता है जब आपको बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड्स आपके नहीं आते हैं, और फिर आपके रेगुलर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तब उस टाइम पर आप अपने मेंस्ट्रुअल कप वापस से शुरू कर सकते हो, जैसे आप पहले यूज़ करते थे वैसे आप यूज़ कर सकते हो। बट पोस्टपार्टम पीरियड जो आपका रहता है उसमें मेंस्ट्रुअल कप को तो मैं टोटली ना बोलूँगी, और बाकी की चीज़ें कंडीशनली आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। जो भी प्रोडक्ट्स इनमें से मैं आपको रेकमेंड करती हूँ उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेकआउट करना, परचेज भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और सारे वीडियोस जो हैं वो आपको मेरी प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, अगर आपको पसंद आया, आपके कोई भी डाउट क्लियर हुए हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना सबके साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के प्रेगनेंसी पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।